Assalamualaikum beautiful people. Good morning. क्या हाल है सबके? After such a long time, घर के अंदर से आज vlogging start हो रही है और कितनी खूबसूरत आपने कोयल की आवाज सुनी थी. It's the symbol, it's the sign that ये सुने. आहा, खूबसूरत nature at its peak. और ये देखें शरीफे भी दिखा दूंगी. If you can zoom in, ये शरीफे लगे हुए हैं माशाल्लाह. चीकू on that side. And it's approximately 12 o'clock. Looks like बारिश होगी. मस्त जोक मारा. ये सब बाद में करेंगे. Welcome back to Sadaf Afraz Vlogs. क्या हाल है? हाँ ये तो हम कर चुके हैं. क्या हाल है? सॉरी आगे चलते हैं. हाँ तो ये कोयल की आवाजें आपने सुननी. बादल भी क्लाउडी हो रहे हैं. वेदर एक्सट्रीमली स्कॉर्चिंग हॉट हो रहा है. अल्लाह मजर्नी मिनन्नार. और हम लोग बैल्कनी में आए हैं और किसी रीज़न की वजह से आए हैं. इतने दिनों से आपसे बात की जा रही है, की जा रही हूँ कि बैल्कनी की रेनोवेशंस हो रही हैं और उसमें कुछ कर रहे हैं. तो फाइनली इट्स रेडी. एंड ये अम्मा की आप चिड़ियाँ देख रहे हैं, ये रियल नहीं है. नहीं अम्मा की डेकोरेशन पीसेज हैं. अम्मा की बैल्कनी है. और ये आर यू रेडी फॉर द ग्रैंड रिवील? रुको जरा सबर को. ये री बैल्कनी रेडी, फाइनली इट्स रेडी. एंड ये मैंने कहा था ये पर्दे जो कि धूप, मैंने आपसे कहा था कि धूप जोरदार आती है, कड़कदार आती है और यहाँ पे बर्निंग हो रहा होता बिल्कुल. तो अभी तोते नहाए हुए, मिट्ठू बेटे जो कि अभी बातें कर रहे हैं वहाँ के, फ्रेश होके बैठे हैं वो. कैसे हैं सब? बोल दो सबको. चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अरे तुम मिठू, ये कौन है? ये कौन आया हुआ है? Who is this? ये कौन है? जारा का नाम क्या है भाई? जारा को क्यों कॉल कर रही हूँ? ये हमारा एलेक्स है और ये रब बनी. बंटी और बबली किसी ने कहा था. आई रियली लाइक दैट ऑप्शन. मुझे बग्स बनी बहुत क्यूट लग रहा है. वाइट वाले को आप देख नहीं पा रहे हैं इधर. देयर इज अ रीजन फॉर इट. अभी ये आप इस हालत में इस बेचारी को देख लें क्योंकि सून इनफ इसको हम शेव करा देंगे क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है. तो ये पूरा जो खूबसूरत सा हमारा बग्स बनी है ये अभी शेव होने वाला है. आप इसके बाल देख रहे हैं, इसलिए अब्बा ने कहा था कि ये डॉग लग रहा है. मुझे लग रहा है तुम पपी लेकर आ गई हो. लुक्स लाइक अ हैमस्टर और अ गिनी पिग बट इट्स एक्चुअली अ ब्यूटिफुल रैबिट. एंड ये जो है कहलाते हैं क्या नाम था, लॉप रैबिट्स. इनकी प्रॉपर ग्रूमिंग होना ज़रूरी होता है. रीज़न बीइंग कि इतने लंबे बाल हैं और इसको हम जा रहे हैं शेव करवाने वेरी सून. तो मिठू की बातें चल रही हैं. यहाँ पे ये जारा का तोता आया हुआ है. जारा कौन है? कासिम की बहन है छोटी. अच्छा वो तो हम बाद में बात करेंगे ना. जारा की छोटी बहन है तो वो कासिम भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से निकले हैं अपने उमरे के लिए. तो आप वाई डोंट यू जस्ट इन्जॉय द व्यू, द ब्यूटिफुल बैल्कनी टिल आई एम टॉकिंग एंड स्पीकिंग. तो वो लोग माशाल्लाह निकले हैं आज अपने हज के लिए. रवानगी आज इनकी रवा दवा है. अल्लाह में आसान करे उनके लिए हज और कबूल करे सारे हाजियों का और सारे जितने भी उम्रे के लिए जा रहे हैं उन सब का हज और उम्रा कबूल करे. तो वो लोग माशाल्लाह निकले हैं. तो ज़ारा हमारे पास रहने आई है. न्यूटन नाम है इसका. थैंक यू, याद आ गया. तो मेमोरी भी ना आने जाने वाली चीज़ है. है तो न्यूटन भाई आए और न्यूटन और मिठू की हो गई फॉरन कम्युनिकेशन. हमारे वाले मोल्डिंग कर रहे हैं. मोल्डिंग इज शेडिंग ऑफ द फेदर्स. आपने लास्ट वाले में देखा था कि वो शेड किया था एंड देन वापस इसके आए थे. अब फिर से ये मोल्डिंग सीजन पे आए हुए अपने, इसमें शेडिंग चल रही है इनकी. और न्यूटन भाई जो हैं वो जैसे सरप्राइज हैं कि हम कहाँ आ गए. दोस्ती करने बैठे हैं एलेक्स से. एलेक्स इज़ वेटिंग टू कम्युनिकेट विथ हिम. तो ये हमारा एलेक्स है, ग्रे अफ्रीकन. इसको माशाल्लाह अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स हो गए इधर हमारे साथ अस्करी में. पहला वाला जो एलेक्स था वो हमारे साथ 20 ईयर्स रहा था. देन वो लमिया को प्यारे हो गए. टू सॉन्ग खड़ी भी है माशाल्लाह, ऑल क्लीन्ड अप.
all cleaned up, mashallah mashallah, as you can see, ready for adventure, mashallah. और वहाँ पे हमारी चंपा उसके बराबर में है. चंपा इज ऑल्सो ऑल क्लीनड अप एंड रेडी. बट मसला ये है कि भाई इतनी गर्मी हो रही है, अल्लाह हमारी जर्नी में नन्नार, कि हिम्मत नहीं हो रही कि डे टाइम में इंसान निकल सके. ये कब है भाई निकले हुए, सारे यहाँ पे बैठे हुए. हम लोग ब्लॉग को आज कंटिन्यू करेंगे, डे में लेके जाएंगे. अभी तक तो हम यहाँ तक पे एंड कर रहे हैं. आई होप आपको कर्टन्स कैसे लगे, ये कर्टन्स कैसे लगे और ये बैल्कनी कैसे लगी, ये आप मुझे अपने कमेंट्स में बताएंगे. इंशाल्लाह यहाँ पे फ्यूचर में बहुत सारा बड़ा इरादा है प्रोजेक्ट का, उसके लिए लॉन्ग जैसा वेट करना पड़ेगा. I'm sorry. चलो खैर हो गई. इंशाल्लाह जो चीज़ यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आएगा. बर्ड्स को हम और कहीं जगह पे सेट करेंगे, क्योंकि ये पूरी जगह यहाँ से यहाँ तक ऑक्यूपाइड होगी. तो पर्दे कैसे लगे ये मुझे ब्लॉग में बताएगा. इन पर्दों को हम मूव कर सकते हैं, इनको इजीली वॉश कर सकते हैं. ये थोड़ी देर बाद ये खुल जाएंगे कर्टन्स, जब धूप चली जाएगी यहाँ से, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो. यहाँ पर इरादा कर रही हूँ मैं यहाँ पर फ़ैन लगाने के लिए, ताकि बर्ड्स कूल रहें. ये अम्मा की बैल्कनी इस साइड पे, अम्मा का शौक, उनके प्लांट्स, नेचर जो नहीं है, नेचर का ख्याल रखना चाहिए. डू यू अग्री और यू डोंट अग्री. अम्मा यहाँ पे उनके लिए पानी रखती हैं और इतनी सारी वैरायटी ऑफ बर्ड्स आती. कर लो भाई शपाट, भाई तुम अपने वाले हैं. तो अम्मा पानी रखती हैं, चावल रखती हैं, फूड रखती हैं, तो लिटरली इतनी सारी बर्ड्स आती हैं, इतनी बर्ड्स आती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह. आप लोगों को भी इस गर्मी में सबके लिए पानी रखना चाहिए और थोड़ा सा खाना डाल दिया करें. आपको नहीं पता कितना इसका सवाब मिलता है. इस गर्मी के अंदर जानवरों का ख्याल रखें, उनको ठंडा रखें, कूल ऑफ रखें. डू योर बेस्ट, क्योंकि बेजबान चीज़ है वो. सब बस बेटा, बहुत बढ़िया. अब हमने जैसे खोल दिया है ना ये, इसलिए क्योंकि अब धूप इस साइड से ख़त्म हो गई है और वो अप्रॉक्सीमेटली एक बजे के करीब ख़त्म हो जाती है. फिर हम कर्टन्स खोल देते हैं और यहाँ से बर्ड्स जो है अपना व्यू इंजॉय कर सकते हैं. एंड क्या कहते हैं, आई होप आपको ये पसंद आया हो. यस, एक बात तो बताना भूल गए, इसके लिए केज नया लिया था हमने, बड़ा कर दिया इसको, बड़े कॉन्डो में डाल दिया ताकि ये अपना इंजॉय कर सके. हमारे मिच्छू साहब, मिच्छू एलेक्स, एलेक्स की बड़ी मज़ेदार बातें होती हैं. ही इज़ सो इंटेलिजेंट माशाल्लाह. हेलो मिच्छू, अच्छा सब्सक्राइबर्स को हेलो कर दो. हेलो, हाय मेरी जान. चले जी प्रिंसेस को भी हेलो कर देते हैं. प्रिंसेस की भी इंशाल्लाह एनी डे डिलीवरी है. वी आर वेरी मच अवेटिंग हर न्यू किटन्स. आप लोगों को इंतज़ार है कि नहीं है? आई टोल्ड यू कि प्रिंसेस इज़ रेडी ऑलमोस्ट एंड इट्स इन एनी डे. बस इंशाल्लाह गुड न्यूज़ इज़ अबाउट टू कम. वी आर एक्साइटेड अबाउट इट, वेरी एक्साइटेड इन द हाउस फॉर प्रिंसेस. तो चले प्रिंसेस के पास चलते हैं. इतनी खुशी मुझे आज तो. हाँ जी, तो प्रिंसेस मैडम इज हियर. टन 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 टन. शी, यू कैन सी के माशाल्लाह माशाल्लाह, देयर दे आर, देयर दे ऑल आर. दुआ में प्लीज याद रखें कि अल्लाह ने शाद शहीद के मेरी बीबी को उसकी मामा बनी, फिर शी मामा बनेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बहुत प्यारी बेबी हो गई, बहुत प्यारी बेबी हो गई है, बहुत 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 ज़्यादा बेबी ऑफ द हाउस है, बेबी ऑफ द हाउस. और बेबी ऑफ द हाउस के खुद बेबी होने वाले प्रिंसेस, प्रिंसेस, प्रिंसेस. सबको जल्दी से आए, मेरी जान, मेरी जान, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. मेरा बेबी, मेरे बेबी के बेबीज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बस एनी डे दुआ में बहुत याद रखें प्रिंसेस. सबको जल्दी से बोलो दुआ में याद रखें, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया प्रिंसेस कह रही, क्यों नहीं किया अभी तक आपने? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि आपको बैल्कनी कैसी लगी. प्रिंसेस के लिए दुआ करें. इंशाल्लाह सून यू विल बी गेटिंग वीडियोज़ ऑफ द बेबी, बेबीज, बहुत सारे बेबीज. यू कैन सी
शी इज फुल टर्म हुई हुई है माशाल्लाह, एंड गंदू बहुत हो रही है क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही इनको कि इनको जो है मैं टब में नहलाऊं, क्योंकि अभी इतनी डेलिकेट स्टेज हुई हुई है। वरना मेरी शहजादी हमेशा प्रिंसेस की तरफ साफ सुथरी रहती है। एसी में रहने लगी हैं आंटी, वो इसलिए क्योंकि हीट बढ़ गई है। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी बेबी है, छोटी सी बेबी है, छोटी सी जानू सी जान है, तो इसको अभी जरूरत है तो कोई बात नहीं। एसी चला के मैडम जो है, मैडम मोहतरमा, और ये जा रही हैं अपनी फेवरेट स्पॉट पे। यहाँ पे जो है ये अपना फुल फ्लेज रेस्ट कर रही हैं और वेट कर रही हैं कि कब मामा बनेंगी, व्हेन विल शी गेट द चांस टू टेक केयर ऑफ हर बेबीज। बहुत प्यारी बच्ची हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी लगी प्रिंसेस, एंड आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर प्रिंसेस बेबीज? इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। चलें भाई, मेरे ख्याल से बहुत लंबी कर दी वीडियो आज, घर पे स्टार्ट की, खूब बातें की, बालकनी दिखाया ही आपको, और क्या कहते हैं आपको, वो भी दिखाया, रैबिट भी दिखाया। रैबिट जो है उसको हम शेव कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, वो बहुत हैवी कोट है उसका, प्रिंसेस का भी से भी ज़्यादा, डबल से ट्रिपल ज़्यादा, फोर टाइम्स ज़्यादा कोट है उसका, और गर्मी इंटेंस हुई हुई है। ज़ारा मैडम आई हुई हैं, कासिम और शैला खाला निकल गए हज के लिए, अल्लाह मियाँ सबके हज और उम्र कबूल फरमाए, हम सबकी दुआएँ कबूल फरमाए और आसान करें। चले भाई, आज के लिए बहुत हो गया, व्लॉग को जल्दी से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थम्स अप देना नहीं भूलिएगा। टेक केयर एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, दिस इज सदा फ्रॉस एंड प्रिंसेस साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। भाई मजा आया।